सेंट्रोल्स जो होते हैं ये बाइरल सेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो एनिमल सेल्स में और मोस्ट प्रोटिस में ये पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स दे आर फाउंड नीयर द न्यूक्लियस दे आर सराउंडेड बाई ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रोसोम सराउंड देंट्रियोल्स देर इज ए पेरी सेंट्रियोलर मेटेरियल ये पेरीसेंट्यूलर मटेरियल है सेंट्रुल्स बैरल सेप्ड होते हैं हमने बताया बैरल सेप मतलब जैसे सिलिंड्रिकल और बीच में हालो होगा हालो स्पेस होगा तो ये जो पेरीसेंट्रोलर मटेरियल है ये जो है अपने अंदर रिंग सेप्ड स्ट्रक्चर्स रखता है और वो रिंग सेप्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलिन होते हैं आप इसके पहले जानते हैं कि माइक्रोटिबल की के okay, पॉलीमराइजेशन में ट्यूबुलिन मालिक्यूल्स लगते हैं ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन लगते हैं और वो रिंग सेप्ड होता है और ट्यूबुलिन दो सब यूनिट्स का बना होता है अल्फा और बीटा और वो मिल मिल के प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं और प्रोटोफिलामेंट्स साइड बाय साइड अरेंज होते हैं और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बैरल सेप्ड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो देखिए ये पेयर ऑफ सिंटुल्स हैं ये जो सेंट्यूल्स होते हैं ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं ट्रिपलेट देखिए ट्रिपलेट्स हैं वन टू थ्री वन टू थ्री तो नाइन ट्रिपलेट्स सेंट्रियोल्स के फॉर्मेशन में लगते हैं नाइन ट्रिपलेट्स और ये नाइन ट्रिपलेट्स करके एक ये बन जाएगा और एक दूसरा सेंट्रियोल ये बन जाएगा और पेयर फॉर्म करते हैं सेल डिवीज़न से पहले जब इंटरफेज स्टेज आती है और सेल डिवीजन होने को होता है तो ये सेंट्रोसोम जो है वो अपने को डुप्लिकेट कर जाता है तब एक पेयर से एक पेयर और सिंथेसाइज़ हो जाता है ताकि स्पिंडल फॉर्मेशन में दोनों एक अलग अलग पोल्स पर माइग्रेट कर जाते हैं यह न्यूक्लियस है ये सेंट्रोसोम है ये साइटोप्लाज्म है इधर और ये पेरीर मटेरियल है पेरीसेंट्योलर मटेरियल ये माइक्रोट्यूबुल्स की असेंबली को न्यूक्लिएट करता है इन एनिमल सेल्स एंड दस पेरी सेंट्रुलर मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स इसका मतलब है कि माइक्रोटूल का ऑर्गेनाइजेशन पोलीमेराइजेशन यूनिट्स का ट्यूबुल सब यूनिट्स का माइ पॉलीमेराइजेशन यहाँ होता है और ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है बैरल सेप ट्यूब्स बन जाती हैं और ये जो दोनों सेंट्रुल्स होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं एक ऐसे रहेगा तो दूसरा ऐसे रहेगा दोनों एट राइट एंगल्स एक दूसरे के रहते हैं और ये जो है सेंट्रोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम भी जो है माइक्रोटिब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबुल है जब सेल डिवीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेग करती है तो माइक्रो का आ, ये फॉर्मेशन करते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं द सेंट्रोसोम ऑफ प्लान्ट एंड फनजाई दे लैक् सेंट्रियोल्स बट स्टिल कॉन्टेन माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्लान्टल्स में और फनजाई में सेंट्रोसोम तो पाया जाता है लेकिन सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं तो सेंट्रियोल नहीं होगा तो माइक्रोटिब्यूल की असेंबली कैसे होगी लेकिन फिर भी सेंट्रोसोम की ही वजह से स्पेंडल फॉर्मेशन होता है डिविजन के समय